नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 अप्रैल 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज है आज की सबसे बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले सीएम सुक्खू, ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश का दिया न्योता। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अवगत करवाया कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लगाया जाने वाला जल उपकर जल पर नहीं अपितु प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल उपकर के विषयों में भ्रांतियों का निवारण आज की बैठक का उद्देश्य है। जल उपकर के विषय में बैठक में सार्थक चर्चा की गई है। बैठक में रेणुका बांध परियोजना तथा हिमाचल हरियाणा और उत्तराखंड की संयुक्त किसाऊ जल विद्युत परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। जगत सिंह नेगी बोले, इस बार किलो के हिसाब से बिकेगा सेब, सख्ती से लागू करेंगे नियम। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि इस सीजन में हिमाचल का सेब सभी मंडियों में किलो के हिसाब से बिकेगा। इस नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने शनिवार को जुब्बल कोटखाई के गुम्मा, खड़ापत्र और आनू में प्रस्तावित कोल्ड स्टोर के लिए चयन स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन के मानकों के अनुसार अधिकतम 24 किलो सेब प्रति बॉक्स बिकेगा। उन्होंने कहा कि इस नियम को लागू करने के लिए सरकार स्थानीय प्रशासन को भी तैनात करेगी। स्थानीय एसडीएम एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारी नियम को लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने 8 कोल्ड स्टोर बनाने का फैसला लिया है। इनमें 2 कोल्ड स्टोर जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में बनाए जाएंगे। ये कोल्ड स्टोर 2 साल के भीतर बनाकर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। पराला मंडी के आसपास करीब 40 किलोमीटर के दायरे में बोरी में लिया जाने वाला सेब इस बार क्रेट में लिया जाएगा। बागवानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक और खाद उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 103 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से शनिवार को 2 लोगों की मौत हुई है। कांगड़ा में 45 वर्षीय और ऊना में 40 वर्षीय पुरुष की संक्रमण की चपेट में आने से मौत हुई है। शनिवार को प्रदेश में 103 लोग कोरोना की चपेट में आया है। कांगड़ा 39, मंडी 18, कुल्लू 11, ऊना बिलासपुर 9, शिमला हमीरपुर 4, सोलन चंबा 3, किन्नौर 2 और सिरमौर में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। 1537 लोगों के शनिवार को जांच के लिए सैंपल लिए गए। प्रदेश में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 1719 पहुंच गई है। खत्म होने वाला इंतजार, ढेरों नई नौकरियां लाने वाली सुक्खू सरकार, अगले हफ्ते बड़े फैसले। राज्य सरकार अगले हफ्ते नई नौकरियों को लेकर बड़े फैसले लेने जा रही है। एक तरफ लोक सेवा आयोग के जरिए होने वाले क्लास 3 की भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ हर साल 20,000 सरकारी नौकरियों के फॉर्मूले पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सोमवार को ही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनाएगी कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक 24 अप्रैल सोमवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में तय है। इस बैठक की अध्यक्षता हर्षवर्धन सिंह चौहान करेंगे, जबकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस बैठक में होंगे। इस बार कार्मिक विभाग के सचिव को भी बैठक में बुलाया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव और आयुक्त भी इस बैठक में होंगे। सभी विभागों से आई वैकेंसी की डिटेल के बाद अब नई भर्तियों पर कमेटी निर्णय लेगी। खबर, बिजली बोर्ड से टेंडर आमंत्रित होते शुरू हुआ बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध। हिमाचल प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों के टेंडर आमंत्रित होते विरोध भी तेज हो गया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का कहना है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और बिजली बोर्ड प्रबंधन के हित में नहीं है। यूनियन ने वर्ष 2017 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस योजना के फ्लॉप होने का हवाला दिया है। पीपीपी मोड पर स्मार्ट मीटर देने से बिजली बोर्ड के अस्तित्व पर खतरा मंडराने की बात कहते हुए इस संदर्भ में सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की गई है। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना को भेजे पत्र में कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 1903 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। बिजली बोर्ड पहली पायलट आधार पर वर्ष 2017 में स्मार्ट मीटरिंग के लिए 40 करोड़ से अधिक खर्च कर चुका है।
कालम में शुरू हुई प्रायोगिक परियोजना विफल रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव, अब दूसरी संतान बेटे होने पर मिलेंगे 6,000 रुपए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव किया है। ऐसे में अब इस योजना के तहत दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही महिलाओं को अब ये राशि 3 किस्तों में नहीं बल्कि 2 किस्तों में दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये राशि डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। पहले एक संतान होने पर इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब यदि किसी महिला की दूसरी संतान बेटी होती तो द्वारा उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। 2.57 रुपए प्रति यूनिट की दर से बोर्ड को बिजली बेचेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष 2.57 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड को अपने हिस्से की बिजली बेचेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें तय कर दी है। बिजली बोर्ड को 622 मिलियन यूनिट बेचकर सरकार को 160 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रति यूनिट में 8 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में स्थापित विभिन्न बिजली परियोजनाओं से सरकार को अपने कोटे की निःशुल्क बिजली मिलती है। बीते वर्ष सरकार ने 2.49 रुपए प्रति यूनिट की दर से बोर्ड को बिजली बेची थी। भांग की खेती को लेकर विश्वविद्यालय विशेषज्ञों की राय लेगी समिति, अन्य राज्यों की नीति का होगा अध्ययन। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से राय लेगी। जिन राज्यों ने भांग की खेती को लेकर नीति बनाई है उनका भी प्रदेश सरकार अध्ययन करेगी। हिमाचल के ज्यादातर 6 जिलों में भांग की खेती होती है। इसमें चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है। सरकार की ओर से गठित 5 सदस्यीय समिति बैठक कर क्षेत्रों का दौरा करेगी। 1 माह में समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रदेश सरकार अगला निर्णय लेगी। एनडीपीएस एक्ट के तहत राज्यों को औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती साधारण और विशेष आदेशों के तहत अनुमति देने की शक्ति नियत की गई है। ये अनुमति केवल भांग के रेशे व इसके बीज या बागवानी और औषधीय उपयोग के लिए दी जा सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ 1 जिलों में भांग की खेती को वैध दर्जा दिया गया है। शहरी विकास विभाग के सचिव को एनजीटी ने लगाई कड़ी फटकार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहरी विकास विभाग के सचिव की कार्य प्रणाली पर कड़ी फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल ने सचिव को अमीरपुर के दुगनेड़ी में ट्रीटमेंट प्लांट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। साथ ही अदालत ने ट्रिब्यूनल के समक्ष सचिव की उपस्थिति अपेक्षित की थी। सचिव ने इस मामले में ना तो जवाब दायर किया और ना ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अदालत ने इस लापरवाही के लिए सचिव को चेताया कि अधिकारी की ओर इस तरह की अपेक्षा की शायद ही सराहना की जा सकती है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि संबंधित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी करने सहित कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना न करना दंडनीय अपराध है जिसके लिए जेल भी हो सकती है। वेदर अपडेट। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, हिमस्खलन का खतरा। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी व निचले भागों में 26 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। इन भागों में 26 अप्रैल के लिए आंध्र का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 24 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार है। 5 दिन बाद शनिवार को मौसम खोलने से कुल्लू और लाहौलवासियों ने रात की सांस ली है। राजधानी शिमला में भी धूप खिलने के साथ ही हल्के बादल छाए। जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए बीआरओ, लोनीबी और बिजली बोर्ड के कर्मचारी जुट गए हैं। केलांग से 4 दिन बाद निगम की बस सेवाएं शुरू होगी। वहीं प्रशासन ने 8 टन रोहतांग को भी सभी तरह के वाहनों के लिए दाचा तक बहाल कर दिया है। अभी भी कुल्लू और लाहौल में 45 सड़कें व 20 बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। आपदा प्रबंधन के अनुसार अगले 24 घंटों में चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के 2,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने किसी भी तरह की आपदा की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 और 1070 पर संपर्क करने की बात कही है। नियमों के तहत भवन बनाने वालों को मिलेगा एटीक की ऊंचाई का लाभ। हिमाचल प्रदेश में नियमों के तहत भवन बनाने वालों को एटीक का फायदा होगा। एटीक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी भवन मालिकों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग TCP या शहरी निकायों में अपना नक्शा रिवाइज करवाना होगा।
इसके बाद एटिक की ऊंचाई 3.5 मीटर किए जाने की अनुमति मिलेगी। जिन भवन मालिकों ने नक्शे के विपरीत 10 फीट तक निर्माण किया वे भी इस लाभ के हकदार होंगे। भवनों की ऊंचाई ज्यादा ना हो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से नए प्लॉट मालिकों को ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप को छुट्टी दे दी गई है। शुगर लेवल डाउन होने पर वे वीरवार को आरएमएल अस्पताल नई दिल्ली में दाखिल किए गए थे। गुरुवार को ही उनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इस्तीफे सौंपे जाने की भी अटकलें लगाई जा रही थी, मगर अभी तक वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। 23 अप्रैल यानी आज भाजपा आशियाना में नगर निगम चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी करेंगे, तो इसमें भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद होंगे। करियाने की दुकान में पुलिस की दबिश, 43 शराब की बोतलें बरामद। सिरमौर जिले के उपमंडल पोंटा साहिब के सूरजपुर में पुलिस टीम ने एक करियाने की दुकान में छापेमारी कर शराब बरामद की है। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि सूरजपुर में एक व्यक्ति करियाने की दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा करता है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अमन पुत्र रमेश निवासी सूरजपुर की दुकान पर छापेमारी की, तो दुकान के साथ लगते एक स्टोर में जब जांच की तो मौके पर 43 बोतलें शराब की बरामद हुई है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, यमुना घाट के नवीनीकरण व सौंदर्यकरण पर खर्च हो गए 65 करोड़ रुपए। हरी यमुना सहयोग समिति ने अक्षय तृतीया पर पोंटा साहिब में यमुना घाट उत्सव 2023 का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। उन्होंने यमुना नदी के किनारे गोविंद घाट के नवीनीकरण एवं सौंदर्यकरण की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यमुना नदी के किनारे गोविंद घाट के नवीनीकरण एवं सौंदर्यकरण पर 65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। खबर शिमला से, बिना परमिट के वाहन चलाने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला। बिना परमिट के वाहन चलाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने अपने निर्णय में कहा है कि बिना परमिट के वाहन चलाने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए वादे नहीं है। आयोग ने कांता टेंट हाउस चौपाल की शिकायत को खारिज करते हुए निर्णय सुनाया है। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ 6,73,000 की क्षतिपूर्ति के लिए आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में दलील दी गई थी कि उसने अपनी पिकअप गाड़ी का बीमा प्रतिवादी बीमा कंपनी से करवाया था। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद छोटी सी घंटी बेल आइकन आती है उसको प्रेस करें, ऑल पर आप उसको सेट कर दीजिएगा पहले नंबर, तो उसके बाद हर वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले आपके फोन पर आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।